डायरिया के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पेयजल स्रोतों की सफाई के आदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए हैं ताकि इस बीमारी से बचाव हो सके। हालांकि अभी तक जिला सोलन में स्थिति सामान्य है, बावजूद इसके आगामी बारिश के मौसम में यह बीमारी ज्यादा न फैले इसके लिए स्वास्थ्य विभाग सजग है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन तलवार ने बताया कि डायरिया दूषित पानी के प्रयोग से होने वाला रोग है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि स्वच्छ पानी ही पिए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग पानी की जांच करवाकर प्राकृतिक पेयजल स्रोतों सहित सभी जल स्रोतों को साफ करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इस बीमारी को पहले ही रोका जा सके। डायरिया एक वाटर बॉर्न इलनेस है, तो वाटर बॉर्न इलनेस मतलब कि दूषित पानी के प्रयोग से होने वाली बीमारियों में से, जैसे कि हेपेटाइटिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डायरिया हम कह लेते हैं, तो उसमें हमने विभाग की तैयारियां पूरी हैं कि हमने जितनी भी लोकल वाटर बॉडीज़ हैं उनको क्लोरीनेशन के लिए हिदायतें दे दी हैं हमने अपने वर्कर्स को, और जो इसमें जिंक और क्लोरीन टैबलेट्स, ओआरएस पैकेट्स प्लस एंटी डायरियल्स, वो सभी जगह सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध हैं। और आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा लोगों को कि वो स्वच्छ पानी का प्रयोग करें, क्योंकि पानी से ही मतलब ये रोग उत्पन्न होता है, तो अगर पानी का हम स्वच्छ पानी का प्रयोग करेंगे तो इसके चांसेस डेफिनेटली कम रहेंगे। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।